हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास नाइन्थ की साइंस की बुक है और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सेल। सेल में पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था और आज हम स्टडी करेंगे, यहाँ से हम स्टडी करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। पिछले वीडियो में, जो कि हमारा इस चैप्टर का सेकेंड वीडियो था, मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक है। और आज हम देखने जा रहे हैं इनका डिफरेंसेस। अगर आपने ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है या आज आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो सबसे पहले इसके दो पार्ट जो पीछे के हैं उसको भी स्टडी करिए, तो ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, हमारा इसमें यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट है, अ सिंगल सेल फॉर्म्स द बॉडी ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। एक सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा और सेलुलर मतलब सेल। जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो दोनों में फर्स्ट पॉइंट यही दिया हुआ है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक सेल से बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ओके, यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने होते हैं। मल्टीसेलुलर का हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो आपको आंखों से दिखाई देते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, वो सब बने होते हैं, वो सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल से बने होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है, इसमें सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि जो ऑल द लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय दैट सिंगल सेल ओनली। कह रहा है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सारा जो भी फंक्शन है, ये हम मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी उनका फंक्शन है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, खाने का को मतलब सांस लेने की प्रक्रिया हो गई, खाना खाने पचाने की प्रक्रिया हो गई, या एक्सक्रीशन की प्रक्रिया हो गई जो हमारा किडनी काम करता है, या फिर उनमें सर्कुलेशन की प्रक्रिया हो गई, है ना, ये सारे जितने भी प्रोसेस हैं उनमें, चूंकि वो एक सेल से बने होते हैं तो ये सारा प्रोसेस उनमें उस एक सेल में ही परफॉर्म होता है। तो लाइफ की जितनी भी प्रोसेसिंग है सब उनके एक सेल में ही होता है, ऐसा उनका सेल बना होता है, ऐसा उनमें इस तरीके से उनका सिस्टम होता है कि सारा काम उनके एक सेल से ही हो जाता है और वो एक सेल से ही सर्वाइव करते हैं। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, जैसा कि हमने बात किया था कि सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो मल्टीसेलुलर में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग काम के लिए जिनको स्पेशलाइज्ड किया जाता है ना, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो लंग्स है उसके लिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें किडनी है, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें एलिमेंट्री कैनाल हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग इसमें ऑर्गन होते हैं मल्टीसेलुलर में, जो कि ये सारा काम इनमें अलग अलग ऑर्गन सिस्टम में ये सारा काम कंप्लीट होता है, ठीक है। और यही सारा काम, टोटल काम इनमें एक ही सेल में होता है, क्योंकि सर्वाइव तो ये भी करते हैं, जिंदा ये भी रहते हैं, जिंदा ये भी रहते हैं, ठीक है, तो ये भी उन सारे प्रोसेस के द्वारा ही जिंदा रहते हैं और इनमें वो प्रोसेस होता है तो इनमें भी वो सारे प्रोसेस होते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशलाइज जो फंक्शन, अलग अलग जो फंक्शन होता है उसके लिए अलग अलग इनमें सेल कहा जाए या ऑर्गन कहा जाए या ऑर्गन सिस्टम अलग अलग इनमें होते हैं। इनकी हम बात करें तो अगर इनमें एक सेल के चूंकि ये बने होते हैं, तो अगर एक सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो यानी कि इनका डेथ हो गया है ना, ये खत्म, इनकी लाइफ खत्म, ठीक है, पूरा इनके लाइफ का कहते हैं इनका खेल खत्म, ठीक है ना, क्योंकि एक ही सेल से बने हुए हैं। और अगर यही बात हम अपनी बॉडी में करें तो मल्टीसेलुलर जो होते हैं, हम लोग भी मल्टीसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर की बात करें तो मल्टीसेलुलर में यदि कुछ सेल, फ्यू सेल्स, है ना, कुछ सेल्स जो होते हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो भी जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्यों, क्योंकि मिलियंस मतलब बहुत सारे सेल्स से, है ना, हम लोग बने हुए हैं, बहुत सारे सेल्स हैं हमारी बॉडी में, तो थोड़े सेल्स उसमें से अगर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इससे हमारी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, हमको कोई भी ऐसा रिस्क नहीं है, जबकि ये एक सेल से बने हुए हैं तो एक ही सेल अगर इनका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका मतलब इनकी लाइफ खत्म। नेक्स्ट है बच्चों, फोर्थ पॉइंट हमारा कह रहा है यूनिसेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इमोर्टल होते हैं, ठीक है, यानी कि मतलब ये अपनी लाइफ को खत्म करने से पहले अपने जैसा रिप्रोड्यूस करके जाते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा की लाइफ खत्म होने से पहले अमीबा अपने जैसी सेम टू सेम, है ना, टू कॉपी बना करके जाता है, तो
अपने डेथ से पहले, है ना, उनमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन बिफोर इट्स डेथ, सेल डिवीजन से पहले ये अपनी कॉपी दे करके जाते हैं, यानी कहा जा सकता है कि ये अमर है ना, ये इनकी कॉपी 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 ऐसे चलती जाएगी और वो भी बिल्कुल उनके जैसा ही। जबकि मल्टी सेलर में ऐसा नहीं होता, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डेथ जो होता है, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो ये इनका लास्ट स्टेज होता है, यानी कि उनकी मृत्यु होने का मतलब है डेथ इज द लास्ट स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी कि अब इनके डेवलपमेंट है ना, ये उसका पूरा अंत हो गया। ठीक है, इनमें जो होता है ये रिप्रोडक्शन तो होता ही है इनमें भी, है ना, मल्टी सेलर जो होते हैं इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, इनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ये बिल्कुल अपनी जैसी कॉपी दे करके जाते हैं जो यूनिसेलर होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो इमोर्टल है। जबकि ये जो होते हैं ये, इनको हम इमोर्टल नहीं कह सकते, ये अमर नहीं होते हैं, इनकी डेथ हो गई तो इसका मतलब कि इनकी लाइफ साइकिल वहां पर स्टॉप हो गई। ठीक है, लाइफ स्पॉन इनकी एक फिक्स होती है कि इतनी ही जिंदगी है। ठीक है, उतनी जिंदगी जीने के बाद इनका जो है रोल खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सिंगल सेल टेक्स अ पार्ट इन रिप्रोडक्शन। सिंगल सेल, इसमें रिप्रोडक्शन जब होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अपने जनरेशन को बढ़ाना। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि टमाटर का बेटा टमाटर, भिंडी की बेटी भिंडी। ठीक है, जनरेशन को बढ़ता जाता है इस तरीके से। तो इनका जो जनरेशन बढ़ता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब जनरेशन बढ़ाना, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इनमें होता है वो एक सिंगल सेल ही उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, एक सेल के ही द्वारा ही, एक खुद का अकेला सेल ही रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस जो होता है उसको भी डन करता है। जबकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो इसमें, इनमें मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें पूरा एक रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और उसमें अलग अलग सेल होते हैं, मतलब डिफरेंट सेल होते हैं बॉडी के, अलग सेल हमारे बॉडी में जितने भी सेल होते हैं पूरी बॉडी में, उनको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, सोमैटिक सेल और रिप्रोडक्टिव सेल। तो रिप्रोडक्शन में केवल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वही पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो वो पोर्शन जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जबकि इसमें एक सेल है, एक ही सेल से बना हुआ है, तो इसका पूरा सेल जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया यूनिसेलर और मल्टीसेलर में डिफरेंस। उसके बाद ये कुछ एक्टिविटीज दिया गया है, ये एक्टिविटीज़ है जो कि आपको मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एक्टिविटीज़ के बाद क्या कंक्लूजन है हम सीधे उस पर आते हैं। देखिए, ये हमारी एक्टिविटीज़ दी हुई है। ठीक है, अब इस एक्टिविटीज़ के द्वारा हमारा जो कंक्लूजन है हम उसकी बात करें, अगर करते हैं एक्टिविटी में बताया गया है जो चीज़ें, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी के बारे में एक्टिविटी में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर वन, डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन द टर्म ऑफ शेप एंड साइज। कह रहा है कि क्या सारे के सारे जो सेल होते हैं वो शेप में, है ना, यानी कि उनका आकार और साइज में, है ना, मतलब उनका शेप किस तरीके के वो हैं, है ना, और साइज। ठीक है, क्या उनका शेप और साइज जो है वो सब का सब एक जैसा होता है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में ये बात प्रूफ की गई है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक हर सेल जो होते हैं हमारी ही बॉडी की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट शेप के और साइज के सेल पाए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि काम क्या है। ठीक है, बॉडी के जो सेल हैं वो काम क्या करने जा रहे हैं, उनको फंक्शन क्या दिया गया है, उनके फंक्शन के रिक्वायरमेंट के आधार पर, है ना, क्या रिक्वायरमेंट है बॉडी को, क्या रिक्वायरमेंट है कि सेल का शेप कैसा होना चाहिए। जैसा शेप जो होगा उस तरीके के जो रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके का शेप हो जाता है सेल का, और वही साइज भी होती है। बहुत छोटे साइज की जरूरत है सेल की तो सेल छोटा रहेगा, अगर जरूरत है कि बड़ा साइज रहे सेल का तो सेल बड़ा होता है। जैसे हमारी बॉडी की बात करें अगर हम लोग, तो नर्व सेल जो होते हैं काफी बड़े होते हैं ना, मसल्स के सेल होते हैं, मस्कुलर सेल अलग होते हैं, नर्व सेल्स अलग होते हैं। तो ये जो सेल हैं इनका शेप और साइज दोनों जो है वो इनके काम पर डिपेंड करता है। जो काम इनको दिया जाएगा, जो रिक्वायरमेंट दिया जाएगा उसको फुलफिल करने के लिए इनको जिस शेप और जिस साइज की जरूरत होती है वो उसी शेप और उस साइज के ये बने होते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक वैसे ही जैसे कि मान लो कि कटोरी है, ठीक है ना, हमको थोड़ा सा सब्जी चाहिए तो हम छोटी कटोरी लेंगे, थोड़ा और सब्जी चाहिए उससे बड़ी कटोरी लिया, थोड़ा और सब्जी चाहिए उससे बड़ी कटोरी लिया। ठीक है, या फिर हमको चाय चाहिए, चाय हमने छोटे से कप में लिया फिर बड़े से कप में लिया, तो हमको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उतना बड़ा हम यूटेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम वही चीज़ यहाँ भी होता है। तो हमारी बॉडी के जो फर्स्ट यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है कि क्या सारे सेल एक ही प्लांट में अगर हम देखें तो क्या सारे सेल के शेप और साइज सेम होता है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके प्रूफ किया गया इन चीज़ों को कि जैसे कि हमारे स्टोमेटा जो होते हैं, स्टोमेटा के चारों तरफ का जो है ये गार्ड सेल होता है वो अलग होता है। ठीक है, इपिडर्मल सेल होते हैं वो अलग होते हैं, तो काम अलग है तो उनका शेप भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है।
ठीक है, ये चीज यहां पर प्रूफ किया गया है। नेक्स्ट है, डू ऑल सेल्स अलाइक इन स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर सबका एक जैसा होता है, सेप साइज की तो बात हो गई है ना, दिखाएगा डिस्पाइस दीज डिफरेंसेज इन सेप एंड साइज ऑल द सेल्स आर सिमिलर इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर, कह रहा है कि आपने कहा कि सबका शेप जो है वो अलग होगा, ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है, मतलब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से शेप अलग होगा सेल का, ठीक है, साइज भी अलग होगा, ठीक है, तो क्या उनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, है ना, तो बच्चों स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग नहीं होता है, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ सेल शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स, सबका स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो लगभग बराबर होता है, सब एक जैसे होते हैं, कैसे, क्योंकि सब में न्यूक्लियस होगा, सब में माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर का जब स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का, तो सारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सारे सेल में वैक्यूल पाया जाएगा, ठीक है, सब में न्यूक्लियस पाया जाएगा, सब में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा, ठीक है, तो ये हम बात करें तो ये चीजें रहती हैं, है ना, सारे सेल में जो चीजें ये हैं वो सारे सेल में रहेंगी, हालांकि शेप अलग हो जाएगा उनका, और संख्या जैसे किसी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी, किसी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, लेकिन होंगे जरूर, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर का मतलब कि क्या क्या चीज इसमें है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो सिमिलर होगा, ठीक है ना, सारे सेल में स्ट्रक्चर क्या होगा, सिमिलर होगा। अगर जैसे कहा जाए कि किताब है, ये बुक है, तो जाहिर सी बात है कि बुक में सबके चैप्टर्स अलग होंगे, है ना, किसी के बुक में जो है, अगर हम क्लास 8 की बात करें तो मान लो कि उसमें 10 चैप्टर है, कि क्लास 9th की बात करें तो उसमें चैप्टर की संख्या अधिक रहेगी, क्लास 12th की बात करें उसमें चैप्टर की संख्या अधिक रहेगी, लेकिन बुक है तो ये लिखा हुआ चैप्टर्स तो सब रहेंगे ही ना, ये चीजें मैटर तो लिखा रहेगा ही ना, ये इसी तरीके से हमको बुक से वैसे ही बुक को इस्तेमाल करना है, वैसे ही बुक से स्टडी करना है, सेम यही यहाँ पर भी वही चीज होता है कि सारे सेल का जो स्ट्रक्चर है वो तो फीचर सब कॉमन ही होगा, ठीक है ना, सब सेल में वही वही चीजें पाई जाती हैं, लेकिन इनका शेप और साइज इनके रिक्वायरमेंट के आधार पर डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उसमें वेरिएशन होते हैं। नेक्स्ट है, कुड वी फाइंड डिफरेंस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी, कह रहा है कुड वी फाइंड डिफरेंस अमॉन्ग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी, मीन्स हुआ कि क्या प्लांट जो होता है, प्लांट की एक बॉडी की बात करें, एक पौधा है, उस पौधे के अगर हम डिफरेंट उसके डिफरेंट पार्ट ले लें, जैसे उसके लीफ ले लें, उसके रूट्स ले लें, ठीक है, उसके स्टेम ले लें, तो क्या उनके सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, कुड वी फाइंड डिफरेंस अमॉन्ग सेल्स, उन सारे सेल्स में क्या आप डिफरेंस कर सकते हैं, क्या ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, बिल्कुल कर सकते हैं ना, डिफरेंट होंगे, लिखा है यस द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी आर डिफरेंट, अलग होंगे, ठीक है, जैसे आप प्लांट बॉडी है ये, चलो ठीक है, हम बात करते हैं पहले ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में जैसे हमारे जो मसल्स होते हैं जहाँ पर, ठीक है ना, जैसे पैर के थाई में मसल्स हैं, वहाँ के सेल अलग होते हैं, जो बोन्स होंगे वहाँ के सेल अलग होंगे, ब्लड है, ब्लड में जो सेल होगा वो अलग होगा, वो अलग डिफरेंट होगा, ठीक है, इस हमारे नर्व सेल जो होंगे वो अलग सेल होंगे, तो हमारी भी बॉडी में जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया आपको कि हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट क्या है, क्या काम करना है, उसके अकॉर्डिंग इनका शेप और साइज डिफरेंट होता है, तो प्लांट्स में भी यही होता है, प्लांट्स के हर एक पार्ट में स्टेम का काम अलग है, ठीक है, और लीफ का काम अलग है, लीफ में स्टोमेटा होना चाहिए, लीफ का साइज ऐसा होना चाहिए कि उसमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो सके, रूट के जो सेल्स होते हैं वो अलग होने चाहिए क्योंकि उसमें से क्या करना होता है, उनको वाटर एब्जॉर्ब करना होता है, तो अलग अलग काम के हिसाब से जो प्लांट का जो बॉडी होगा उसके पार्ट्स जो होंगे, बॉडी पार्ट जो होगा उसके सेल्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, कारण यही है कि उनको अलग अलग काम करना होता है, ठीक है, तो ये चीज भी इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक, व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड, अगर यहां ऊपर कह रहा है कि सेल का स्ट्रक्चर एक ही बात हुई, देखिए ये वाली बात या और ये और फर्स्ट जो हमने देखा लगभग सिमिलर है, कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि सेल का जो शेप होगा, स्ट्रक्चर जो होगा वो सब में बराबर है, स्ट्रक्चर बराबर होने का मतलब कि देखिए आपके सामने जो है, अगर हम जैसे चार बॉयज खड़े हो जाए, ठीक है, तो आप तो बॉयज अगर चार खड़े हैं, सारे के सारे इंसान ही हैं, है ना, चार बॉयज खड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इसके भी दो आंख है ना, दो कान है इसके, एक नाक है, इसके भी बाल हैं, दो हाथ है, दो पैर है, तो स्ट्रक्चर तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन
चारों का शक्ल अलग होगा, चारों की हाइट अलग होगी, ठीक है, चारों का वॉइस अलग होगा, चारों का नेचर अलग होगा। तो अलग अलग तो वो है, लेकिन जो कॉमन चीजें हैं वो सब में इक्वल है, ठीक है ना, सब में वही चीज है कि उसके पास भी दो आंख, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी दो पैर, उसके पास भी दो पैर, उसके पास भी, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर यानी कि सेम होता है। तो वो यहां पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन कि वो क्या चीज है जो सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन यहां पर आपको तीन चीजों की बात कही गई है कि सब में, मतलब ये तो होंगे ही होंगे, सब में न्यूक्लियस होगा पक्का, ठीक है, हर सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस अगर है तभी वो सेलुलर कहलाएगा, न्यूक्लियस नहीं है तो वो ए सेलुलर कहलाएगा, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो सब में न्यूक्लियस होता है ना। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स हालांकि एब्सेंट भी हो सकते हैं, वैक्यूल्स हो गया। सब में आउटर स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहेंगे सेल वॉल, है ना। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो सब में सेल वॉल होगा, ठीक है, बाहर में आउटर शेप जो होता है सेल वॉल होगा, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल्स होंगे, इसमें वाटर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें सब में ही पाई जाती हैं। व्हाट सिमिलरिटीज कुड वी फाइंड, द सेल्स ऑफ ऑल द थ्रीज मटेरियल एग्जिबिटेड सम फंडामेंटल सिमिलरिटीज। सब में ये चीजें सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल दीज सेल्स आर सराउंडेड बाई अ थिक रिजिड सेल वॉल। सभी एक मोटे से और रिजिड का मतलब होता है एकदम कड़े, एक सेल वॉल से सबके सब घिरे होते हैं। सब में ये चीज होता है, और सब में कुछ स्फेरिकल बॉडी है ना, कुछ गोल गोल इस तरीके से स्फेरिकल बॉडी होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। सभी सेल में ये चीज पाया जाएगा। और वैक्यूस का मतलब होता है खाली स्पेस, है ना, खाली जगह जहां पर कि एक्स्ट्रा वाटर वहां पर स्टोर होता है। तो वैक्यूस प्रेजेंट होता है, वैक्यूस वैसे एबसेंट भी हो सकता है। तो ये चीजें जो है ये लगभग सब में पाई जाती हैं। अभी तो ये सिर्फ यहां पर इंट्रोडक्शन, ये रिटेन में ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन जब आप सेल को देखेंगे, सेल का स्ट्रक्चर जब हमने अपनी आंखों से देखा, तो फिर वहां पर और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन मैं लाइन से ही चैप्टर चल रही हूं, है ना, एकदम सीरियल से चलते जाएंगे। जब सेल का स्ट्रक्चर अब यहां पर शायद आगे आने वाला है, देखिए, है ना, यहां पर हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे, तो यहां पर सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए मैं इसको आगे पीछे ना कर करके लाइन से ही चल रही हूं। तो बच्चों यहां तक हमने ये देख लिया। अब आगे अब हम देखेंगे जिस बात कह रहा है कि अगर शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, तो ऑलमोस्ट किस किस शेप के होंगे, है ना, लगभग में क्या क्या शेप होता है सेल का वो देखेंगे, लगभग में क्या क्या साइज होती है वो चीजें देखेंगे। तो वो सारी चीजें मैं आपको, काफी अच्छी अच्छी बातें यहां पर हैं जो कि हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल आपको इसके आगे का टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।